हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करोगे। तो गाइस, दो टाइप के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होते हैं। पहला जो ऐसा होता है जो वॉलपेपर डिम हो जाता है, ये पहला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। आप देखोगे तो इसका वॉलपेपर डिम हो जाएगा। तो ये सैमसंग की गैलेक्सी वॉच है, तो अगर आप इसको पहनते हो तब इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक्टिवेट होता है और इसका वॉलपेपर डिम हो जाता है। और दूसरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है स्मार्ट वॉचेस में। तो स्मार्ट वॉचेस का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कभी भी बंद नहीं होता है, ये थोड़ा डिम जरूर हो जाता है पर बंद नहीं होता है। तो ये दो टाइप के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी वॉच में कैसे चेक करना है कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं। जैसे कि मेरे पास ये है, तो आप अपनी स्मार्ट वॉच में भी चेक कर सकते हो, और अगर आपके पास अल्ट्रा क्लोन है तो भी आप चेक कर सकते हो। तो बस आपको जाना है वॉच की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आप देखोगे तो अब ये वॉच में डिस्प्ले का ऑप्शन ही नहीं है, ना सिर्फ ब्राइटनेस का ऑप्शन है। और अगर मैं इसमें सेटिंग्स में जाऊंगा तो आप देखोगे तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो इस वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है नहीं। पर अब मैं ये वाली वॉच की बात करता हूँ, तो इसमें अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो जब आप देखोगे तो यहाँ आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, पर ब्राइटनेस के ऑप्शन पे आप देखोगे तो यहाँ जो आपको स्क्रीन टाइम आउट मिल रहा है तो 60 सेकंड्स का मिल रहा है। तो आपको 60 सेकंड्स पे अभी आप ब्राइटनेस चेक करोगे तो ब्राइटनेस फुल है। अब यहाँ मैं 60 सेकंड्स पे जाऊँगा तो 60 सेकंड्स के बाद का जो ऑप्शन होता है ना गाइस, वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए होता है। तो इस वॉच में भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है कुछ। अब जैसे कि इस वॉच है, इसमें सिर्फ ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस के अलावा इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब इसमें ना ही 60 सेकंड्स का भी टाइम आउट नहीं है, इसमें सिर्फ 15 सेकंड्स का टाइम आउट है, जो कि इस वॉच में भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आपको अपनी वॉच में सेटिंग्स में जाके चेक करना होता है। अब आप देखोगे तो ये वॉच है, इसका डिस्प्ले बंद ही नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो अब यहाँ मैं इसकी सेटिंग्स में जाके आपको दिखा देता हूँ। तो बस आपको वॉच के मेन्यू में जाना पड़ता है और यहाँ से आपको सेटिंग्स के लिए सर्च करना पड़ता है वॉच की। तो अब आप यहाँ ढूंढोगे तो आपको यहाँ मिलेगी इसकी सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिस्प्ले सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ मैं डिस्प्ले के लिए सर्च करूँगा तो यहाँ डिस्प्ले आपको ढूंढना पड़ता है, डिस्प्ले मिलता नहीं है। तो अब स्क्रीन ऑफ, लॉक, क्लॉक, इसमें तो कुछ नहीं है। तो जनरल सेटिंग्स में आप देख सकते हो, तो यहाँ आपको टाइम फॉर्मेट मिलता है, डेट आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको सेटिंग्स में भी नहीं मिलता, ज़्यादातर वॉचेस में सेटिंग्स में ही होता है डिस्प्ले के ऑप्शन में, पर अगर आपको सेटिंग्स में भी नहीं मिलता है तो फिर आपको ऐप्स में सर्च करना पड़ता है। हो सकता है आपकी वॉच में भी हो, तो आप ऐप्स में सर्च करोगे तो यहाँ आपको ऐप्स में एक ऐसा ऐप देखने मिलेगा। तो ये जो ऐसा ऐप है ना गाइस, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर। तो आप इसको 60 सेकंड्स के लिए सेट कर सकते हो। अगर मैंने इसको 5 सेकंड पे सेट किया तो आप देखना वॉच का डिस्प्ले 5 सेकंड्स में ही बंद हो जाएगा। ये देखिए, लो हो गया, बंद हो गया। और अगर मैं वो फीचर में जाके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर दूँ तो यहाँ आपको एक वार्निंग आएगी कि इसकी जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी और वॉच की चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। मतलब वॉच बहुत हो गया तो एक घंटे तक चलेगी, पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो आप ऐसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर सकते हो, आपको बस अपनी वॉच में सर्च करना है। पर इतना है कि आपको बैटरी लाइफ बहुत ही कम हो जाती है वॉच की, एक घंटे में वॉच स्विच ऑफ हो जाती है। तो गाइस, ये थे पूरे फीचर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप अपनी वॉच में कैसे एक्टिवेट करोगे। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।